उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने देवबंद में आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी ATS की स्थापना करने का ऐलान क्या किया, प्रदेश की सियासत में हंगामा मच गया। अखिलेश यादव की पार्टी से लेकर कांग्रेस तक को इस बात से मिर्ची लग गई और वे इसमें भी सियासी एंगल खोजने लगे और नैरेटिव ये सेट करने लगे कि ATS सेंटर की स्थापना के पीछे मुसलमानों को डराने का उद्देश्य है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर मुस्लिमों को डराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दरअसल देवबंद में भारत का सबसे बड़ा इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम है, जो कि कई बार आतंकी घटनाओं के मामलों में भी सामने आ चुका है। योगी सरकार के देवबंद में ATS कमांडो सेंटर बनाने के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इसको लेकर बताया कि आतंकवाद निरोधी अभियानों में तेजी लाने के लिए केवल देवबंद में ही नहीं बल्कि मेरठ, बहराइच और श्रावस्ती और जेवर में भी ATS की इस तरह की इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ADG के मुताबिक देवबंद में ATS का सेंटर बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम अपनी पकड़ और अधिक मजबूत कर पाएंगे। सरकार के इस फैसले से समाजवादी पार्टी नाखुश है। सपा विधायक दल के नेता राम गोविंद चौधरी का कहना है कि देवबंद इस्लामिक शिक्षा का बड़ा केंद्र है जो कि दुनिया भर में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में ATS कमांडो सेंटर स्थापित कर योगी सरकार मुस्लिमों को डरा रही है। राम गोविंद का आरोप है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की जनसंख्या काफी अधिक है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। दारुल उलूम देवबंद की 2000 वर्ग मीटर की जमीन को सरकार ने ATS को ट्रांसफर कर दिया। इसके पहले शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर ATS सेंटर बनाए जाने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि इसके लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू भी हो गया है और प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार ATS अधिकारियों की यहाँ तैनाती की जाएगी। देवबंद में ही दारुल उलूम स्थापित है जहाँ से इस्लामी देवबंदी अभियान शुरू हुआ था। तालिबान को भी इसी विचारधारा से प्रेरित बताया जाता है। आतंक के मामले में भी देवबंद बदनाम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।